हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक CDS FCAT CAPA विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो भाई सब कैसे, एक बार कमेंट कर दीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट कैसे हैं। राधे मोहन, समीर भाई कैसे हो? तो गाइस, आज हम बात करेंगे पेयर एनालॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम। तो गाइस कैसे हैं, राधे समीर एंड राधे एंड समीर ही हैं बस भाई, बाकी के स्टूडेंट कहाँ गए हैं? हैं, आज मन नहीं था क्या आने का? पेयर एनालॉजी पढ़ने की इच्छा नहीं है क्या? चलो फटाफट शेयर करके आओ। मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने अपना FCAT एंड CAT जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है। एंड देन लेट्स क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, SSC एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, मैथ, डिफेंस एग्ज़ाम, क्वेज, लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स। अनअकैडमी लर्निंग ऐप किसी ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो वो इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे हमारी स्पेशल क्लास होती है और साथ के साथ हमारे प्लस कोर्सेज भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, राधे, धनराज, शेषमनी कैसे हो भाई? और ग्रुप है हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ सोनल अग्रवाल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और HTTP इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके गूगल पे भी डाल सकते हैं, तो आप अनअकैडमी डिफेंस वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे। यदि आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो @ सोनल अग्रवाल के नाम से भी आप ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, चलिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो CDS प्लस CAPF का आप लोगों के लिए एक बैच लाया है 100 डेज के लिए। तो आपको क्या करना है, एनरोल करना है। यदि आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए। तो आपको जो कूपन कोड लगेगा वो बनेगा आपका सोनल, और सोनल पे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ठीक है, सो भाई कैसे हो? अब देख लेते हैं आज की क्लास में कौन कौन है। ठीक है, रौनव, समीर, भाग्य, रवीना, राधे मोहन, भाग्यश्री, भास्कर, हेलो कैसे हो? सो पेयर एनालॉजी, आज की जो एनालॉजी होगी वो पेयर एनालॉजी डिफरेंट टाइप की होगी और कल होगा आपका लाइव टेस्ट FCAT 2 के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि यदि आप FCAT 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी ना हो, तैयारी तो इतनी तो होगी कि आप लाइव टेस्ट में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो कल की क्लास में मिलेगा आपको लाइव टेस्ट जहाँ पे आपको आंसर देना और आपको ये देखना है कि आपको कितना, आपने कितना स्कोर किया है। और जो टाइमिंग होगा वो होगा आपका 7 PM ही आपका क्या होगा, टाइमिंग होगा। ठीक है, आकाश, रवीना, राधे, मंजू गुप्ता, मंजू, सिलॉक्स कभी कभार पूछ लिया जाता है आपके FCAT में, यदि सिलॉक्स पूछते हैं तो वो मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगी सिलॉक का। ठीक है, सिलॉक पूछा जाता है, जैसे अभी लास्ट दो टाइम्स हमारा सिलॉक पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले सिलॉक नहीं पूछा जाता था। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राधे, मंजू, हाय राधे, समीर, आकाश, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इससे रिलेटेड, जैसे आपका ब्लीट, हॉल्ड एंड गिबर, इससे रिलेटेड आपका A, B, C और D कौन सा आपका राइट आंसर होगा, चलिए बताइए। हाँ, 4 दिन हुए लेकिन टेस्ट तो जरूर होगा, टेस्ट में मेरे को ये तो पता चले कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में नहीं है। हेलो सोनी कश्यप, समीर कल बिज़ी हो तो कोई नहीं, समीर आप अपने जो एग्ज़ाम है, जो अपना एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये कह देना कि मैं तो बिज़ी था। अनुज मिश्र ने आंसर दिया ए, और मुझे ये बताओ ए ऑप्शन क्यों आया, रीज़न क्या है ए ऑप्शन का? देखो, ब्लीड जो आवाज़ होती है वो किसकी होती है, कौन निकालता है ब्लीड, किसकी आवाज़ होती है, स्टक नहीं आएगा, ब्लीट किस एनिमल की आवाज होती है, ऑल आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल। भाग्यश्री, समीर, अकाउ, साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल, वेरी गुड अनुज मिश्रा, रवीना, ठीक है रवीना, रवीना शेषांक से मत बोलना, शेषांक तुम रवीना से मत बोलना, दोनों एक दूसरे से बात मत करो, अपने आप तुम कुछ टाइम बाद शांत हो जाओगे और अपने आप ही गॉसिप करोगे फिर तुम। ठीक है, बताओ किसकी होती है, बिल्कुल किसकी होती है, ब्लीट होती है आपकी गोट की, बकरी की। तो बच्चा हॉल किसकी होती है, ये किसकी आवाज़ होती है, फटाफट से बताओ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के लिए। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आपकी नॉलेज के लिए कि आपको याद है या नहीं है।
बताओ ये किसकी आवाज होती है? सोनी कश्यप, रवि, अरे फटाफट से ऐसा वो को दिया करो, आंसर दिया करो, हैं आराम से, धीरे धीरे आंसर मत दो, फटाफट से हाथ चलाए करो आंसर देने में, धीरे धीरे आंसर दोगे तो कुछ मिलेगा हासिल नहीं होगा, लेट हो जाओगे आंसर देने में। समीर बताओ, चैट चली गई आप लोगों की, बताओ। फोर्स की कह रहे हैं सुनीता, गुड इवनिंग। फॉक्स का ऑल होता है, बिल्कुल रौनव, जो फॉक्स है वो क्या करता है आपकी ऑल की आवाज निकालता है, तो फॉक्स क्या आएगा, बिल्कुल है। अरे हॉर्स की ये होती है, हिनहिनाता है वो, हॉर्स की आवाज को ये बोला जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर एटलीस्ट गलत तो मत दो, गलत दोगे तो आप लोगों के लिए वो गलत होगा, ना कि मेरे लिए गलत होगा। छोटे छोटे यदि यही क्वेश्चन आपका उसमें पूछ लिया जाता किसी एनालॉगी में कि ब्लीट इज रिलेटेड टू गोट एंड और रिलेटेड टू, आप सब क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं, हॉर्स क्यों आएगा इसका राइट आंसर, बताओ भाई। कम से कम छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे क्वेश्चंस का तो आंसर गलत मत दो। और गर्ण जो आवाज़ होती है वो होती है आपकी कैमल की, ठीक है। कैमल की क्या होती है, इसकी आवाज़ होती है, क्लियर है। गिब्बर भी आपका एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, गिब्बर किसकी आवाज़ होती है, चलो आप बताओ गिब्बर किस कौन निकालता है, गिब्बर का जो साउंड है वो है आपका, जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा एनिमल निकालता है, गिब्बर कौन करता है बच्चा, मंकी करता है, कौन करता है, मंकी करता है, तो ये आएगा आपका मंकी। देखो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर बता दिया आपको, मैंने 1, 2, 3 या 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। बिल्कुल सोनी, बिल्कुल सही कहा, राधे मोहन, मनीष, शेषमणि तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भाग्यश्री भास्कर। हाँ जी भास्कर, तुम्हें उल्लू की आवाज़ तो बहुत जल्दी पता होगी, है ना। राधे मोहन, अनुज, ग्रंट इज कैमल, बिल्कुल राइट आंसर। भास्कर, भाग्य, समीर, अनुज, सोनी कश्यप, रौनव सिंह, मंकी, चैटर। मंकी की आवाज़ बच्चे चैटर भी कह सकते हो, गिब्बर भी कह सकते हो, वो भी आपकी गिबलिंग भी करता है मंकी आपका, ठीक है। हेलो देबू गोस्वामी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आयरन, कॉपर एंड जिंक, ये तीनों के तीनों किससे रिलेट है हमारे। देवयानी, राधे, भाग्यश्री, 1, 2, 3 बताइए। आयरन, कॉपर एंड जिंक ये क्या है, आपके सारे के सारे क्या है, मेटल है, ऑल आर मेटल। तो क्रेमिक, कार्बन एंड कोक ये आपके मेटल नहीं है, सिल्वर सिर्फ आपका मेटल है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रवीना, मंजू, भाग्य, शेषमणि, जो राइट आंसर बनेगा समीर वो क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश, दीपा, प्रजापति, सिल्वर, अच्छा सोनी कश्यप, आयरन, कॉपर एंड जिंक आर सिल्वर इज मेटल, वेरी गुड। देबू गोस्वामी, रवीना, शेषमणि, सोनी कश्यप, शेषमणि फटाफट से बताइए। आकांक्षा, आकांक्षा मैं अनअकैडमी पर 7 बजे लाइव आती हूँ, लेट्स क्रैक डिफेंस पे, यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो एफकेट या CA PF के लिए तो आप मुझे 7 बजे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अनुज मिश्रा, डी फॉर नोज, आर यू श्योर दैट डी फॉर नोज, आकांक्षा, समी, अच्छा मुझे रीजन भी बताइए कि क्यों होगा। आईज, टंग एंड ईयर, फिंगर, थंब, नी एंड नोज, ऑल आर ह्यूमन सेंस ऑर्गन, ये क्या है बच्चे आपके सेंस ऑर्गन है, क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो नोज क्या है आपका, सेंस ऑर्गन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आकाश, अनुज, पार्ट्स ऑफ फेस भी कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हो सेंस ऑर्गन है ये, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सेंस ऑर्गन की कौन कौन से होते हैं, फटाफट सोनी कश्यप फटाफट से बताइए, सेंस ऑर्गन, आईज, टंग, ईयर, नोज, एक और सेंस ऑर्गन है, वो कौन सा सेंस ऑर्गन है हमारा, तीन दे रखे हैं, पांचवा कौन सा है, सॉरी चार दे रखे हैं, पांचवा कौन सा है,
फटाफट से कमेंट करो। अरे नोज है, आईज है, टंग है, ईयर है और स्किन। वेरी गुड वेरी गुड भाग्यश्री। रौनव अकांक्षा स्किन, ठीक है, त्वचा जिसे कहते हैं हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट एंड ए बी सी और डी, इन चारों में से क्या उसका आंसर बनेगा? भाग्यश्री 1 2 3, कुसुम, आकाश, मंजू, सोनी, कश्यप। वेरी गुड आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिप्स होगा। परमात्मा समीर को ना मेरे से बचा लो या मेरे को इस लड़के से बचा लो। अनुज, रौनव, शुभम, गुड इवनिंग। किडनी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं कि किडनी इसका राइट आंसर होगा नहीं होगा। देखिए इंसेटाइन, देखो ये क्या है बच्चा आपके, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, ये तीनों के तीनों क्या है आपके? इंटरनल ऑर्गन है। क्या है आपके? इंटरनल ऑर्गन है। किसके? ह्यूमन बॉडी के। किसके? ह्यूमन बॉडी के। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका किडनी विल बी द करेक्ट आंसर। जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आकाश, रवीना, देबू, मंजू, क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मेरे से पूछ लें, आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माधुरी, माधुरी द्विवेदी, रवीना, आकाश, भाग्यश्री, रौनव सिंह, एक मेरी क्लास में भी आती थी माधुरी, माधुरी दीक्षित था वो शायद, नहीं माधुरी था, नाम पीछे का याद नहीं आ रहा। तुम डेली क्लास लेती? हाउ, किसे बोल रही हो माधुरी? भाग्यश्री 1 2 3, सोनी कश्यप, ऑनलाइन लर्नर। अच्छा ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नाम बता दो आपस मेरे को। मंजू कह रहे हैं हर्ट किडनी में कैसे होगा? अरे नलायक, हर्ट किडनी में नहीं होगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे प्राणी हो तुम, है कतई बुद्धि नहीं है। अरे ये तीनों के तीनों हमारे इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के, ना कि हर्ट के इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे बॉडी के अंदर क्या आपका लीवर भी है, हार्ट भी है, इंटेस्टाइन भी है और किडनी भी तो होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बनेगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल आर मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ओम, वॉट, एम्पेयर इज लाइट। तो ये क्या होगा बच्चा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ओम, वॉट और एम्पेयर ये सारे के सारे आपको किसको, लाइट को मेजर करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, सॉरी वॉल्ट, ठीक है। जो बी आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आज मैं साइंस टीचर बन गई, बिल्कुल। ये किसकी इलेक्ट्रिसिटी हो, किसकी यूनिट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। तो मैं लाइट पे पत्नी कहाँ दिमाग था। बी ऑप्शन क्या होगा? देबू, राधे मोहन, रवीना, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। समीर, राधे मोहन, रवीना, परवीन कुमार, बिल्कुल परवीन, मुझे लगता है ईकेटी का बैच होगा अनअकैडमी पर, ठीक है। और आपको सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि वो एफकेट की तैयारी करा रहे तो वो ईकेटी से रिलेटेड भी आपको तैयारी कराते, ठीक है। चलो भास्कर, रौनव, अमित, देबू, नम्रता, आकाश, आकांक्षा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अनुज मिश्रा, जवार एंड बाजरा, तो देखते हैं कि जवार होगा बाजरा होगा, और कोई आंसर गलत नहीं देगा, ये आसान आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। राइस, व्हीट एंड मेज, ये क्या है आपकी सारी की सारी क्या है, फूड फसल है, क्या है, फूड क्रॉप्स है। तो उससे रिलेटेड आपका क्या बनेगा, ज्वार बाजरा बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है आपकी फूड क्रॉप्स है, क्या है, फ्रूट क्रॉप्स है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा देबू गोस्वामी, आकांक्षा, रवीना, राधे मोहन, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। रौनव सिंह, सोनी कश्यप, भास्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
समीर, भास्कर, देबू, ऑनलाइन लर्नर, अमिशा। अच्छा, ऑनलाइन लर्नर कौन से क्वेश्चन के बारे में आप बात कर रहे थे, मैं पूछना भूल गई आपसे। आपको कुछ याद है उसकी, कुछ आगे के नंबर वंबर याद है? इंटा वो क्या मैम, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कैप्टन प्रिंस, कैप्टन तो लगा दे, लेकिन आगे से चीजें तो बताओ कि क्या बोलना चाहते हो। रौनव कह रहे हैं रूट पार्ट ऑफ अ ट्री। राधे मोहन, दिव्यानी, ओहो आंसर दो इस क्वेश्चन का। मंजू जी कह रही है रूट, ट्री पार्ट। आकांक्षा ने कहा विमल, चलो देखते हैं। ब्रांच, स्टेम एंड लीफ ऑल आर पार्ट्स ऑफ लीफ, ये क्या है? सारे के सारे बच्चा आपके पार्ट है किसके? ट्री के पार्ट है। तो रूट क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा पंकज, ये सारे के सारे आपके ट्री के पार्ट है, ना कि ये कि आपका ये जो खुद ट्री है बच्चे, ये ट्री के पार्ट है। तो आपको वही आपको इसमें लॉजिक बताना है जो आपके इन तीनों को रिलेट करता हो। जैसे ये तीनों आपके ट्री के पार्ट है, तो उसी प्रकार ए बी सी या डी में से कौन सा ऐसा मेरा ऑप्शन होगा जो हमारे ट्री का पार्ट होगा, तो वो हमारा है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? कुसुम, समीर, भास्कर, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, ये गुथ क्यों रहे हो तुम सारे के सारे हैं? जरा सी मेरी नज़र कहाँ इधर उधर पलटी, तुम सारे के सारे गुथने पे आ गए हैं? कैप्टन प्रिंस, राधे मोहन, कुसुम, आकांक्षा। कल कितने बजे आकांक्षा जो कल मेरी क्लास है वो बच्चे 7 PM पे ही मेरी क्लास होगी। अभी मेरा टाइम फिक्स चल रहा है 7 PM। ठीक है, समीर, राधे, आकांक्षा, कुसुम, कैप्टन प्रिंस, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, ये किसकी आवाज है? अच्छा, मेरे को ये बताओ सारे के सारे, किस कौन किसकी आवाज है? गिब्बर इज कैमल, गिब्बर इज कैमल, मार डाला इस लड़के ने। अमित बस करो, दोनों के दोनों चुप हो जाओ, भास्कर और अमित, लड़ाई भी मैं ही सुलटाऊंगी इनकी यहाँ पे। ये किसकी है आपकी? हॉर्स की। अच्छा, ये किसकी है आपकी? डॉग की। ब्रे किसकी आवाज होती है बताओ? ब्रे, फटाफट से बताओ। बिल्कुल रौनक ने बिल्कुल सही दिया, ब्रे होती है आपकी, डोंकी की आवाज होती है। तो बच्चे ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल के। तो गिब्बर क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और गिब्बर किसकी आवाज होती है? मंकी की आवाज होती है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्रता, सोनी कश्यप, आकांक्षा, भाग्यश्री, 1 2 3, सोनी कश्यप। ब्रेमिन बच्चा जो डोंकी आवाज निकालते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू, रवीना, सोनी, भाग्य, आकांक्षा, कुसुम, राधे मोहन एंड भाग्यश्री। ओके भाग्यश्री, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑनलाइन लर्नर विमल, अनुज, प्रद्युमन, धनराज। लाइन, टाइगर एंड बियर, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, लाइन, टाइगर एंड बियर, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके? वाइल्ड एनिमल है। ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स, ऑल आर वाइल्ड एनिमल। तो इसमें से हमारा ए बी सी और डी में से कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा? तो देबू गोस्वामी, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पैंथर, क्योंकि पैंथर क्या है आपका? वाइल्ड एनिमल है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समीर, मंजू, अमित शाह, कुसुम, भास्कर, देबू, सोनम राव, पिंक पैंथर, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन्सी, सोनी कश्यप, कैट, काउ एंड बेफेलो इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड पैंथर इज अ वाइल्ड एनिमल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब मैंने बहुत देर से देख रही थी, अमित और भास्कर की लड़ाई बंद हो गई, तो दोनों आंसर दे लो, नहीं तो दोनों को कूटूंगी आज मैं पकड़ के, ठीक है। हड्डियाँ तोड़ दूंगी भास्कर मैं तेरी आज, आंसर दे फटाफट से क्वेश्चन के। आकाश कल क्लास नहीं है, 11 AM पे कल क्लास नहीं है, ठीक है। मंजू, प्रद्युमन, ऑनलाइन लर्नर, आकाश,
काफ किट एंड पप। यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, काफ किट एंड पप, ये क्या है? आपके यंग वन है। वेरी गुड अनुज मिश्रा, ये क्या है? पूजा चौहान, आपके यंग वन है। किसके एनिमल के क्या है? आपके यंग वन है। तो आप ये बताइए, इसमें से जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सी किसका होता है? आपका बटरफ्लाई का होता है, ठीक है। बटरफ्लाई के यंग वन को क्या कहा जाता है? लार्वा कहा जाता है। इन्फेंट नहीं आएगा बच्चा, चाइल्ड। जैसे ह्यूमन के बच्चों को क्या बोला जाता है? चाइल्ड बोला जाता है, ना कि इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो सारे के सारे यंग वन है वो आपके एनिमल के यंग वन है। यदि एनिमल के यंग वन है तो लार्वा इज अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के यंग वन को क्या कहा जाता है? लार्वा कहा जाता है। तो सी क्या आएगा? कुसुम, बिल्कुल राइट आंसर होगा कुसुम। अभी वो मंडे से स्टार्ट होगा वो वाला, ठीक है। ठीक है भाग्यश्री 1 2 3, राधे मोहन, सोनम राव। मेरी जो डेली क्लास होती है वो 7 PM पे क्लास हो रही है अभी, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट? इन्फेंट होता बच्चा इंसान का ही है। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, होता तो इंसान का ही है वो भी, ठीक है। जानवर का तो नहीं होता, वो इंसान का ही होता है। आकाश में इंसान का ही होता है इन्फेंट भी, ठीक है। लेकिन वो हमारे एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है तो एनिमल्स रिलेटेड टू लार्वा ही बनेगा आपका, ठीक है ऑनलाइन लर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनअकैडमी पर नहीं आपकी क्लास मंजू, अनअकैडमी ऐप पे आज मेरी क्लास थी, स्पेशल क्लास। जिन्होंने भी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो वहाँ पे मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं सोनल के नाम से। जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपको जितनी भी मेरी क्लासेज है, स्पेशल क्लासेज या मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलो बताओ, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। राधे मोहन, नम्रता ऑनलाइन, समीर बोकारो स्टील प्लांट। रौनक कह रहे हैं बोकारो इज अ स्टील प्लांट। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज भिलाई, रौरकेला इज दुर्गापुर। All are industrial town famous for steel plant। बच्चा ये सारे के सारे क्या हैं? आपके steel plant के लिए famous है। यदि ये steel plant के लिए famous है तो आपको बोकारो क्या है? आपका steel plant के लिए famous है। तो D option, भास्कर, राधे मोहन, निकेश, कैप्टन प्रिंस, बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन प्रिंस, सी डी एस के लिए मैं क्लास नहीं लेती हूँ क्योंकि सी डी एस में रीजनिंग नहीं आती है। लेकिन सी डी एस की एस एस बी जब आप देने जाते हो तो उसमें रीजनिंग आती है ओ आई आर में, तो आप वो मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भाग्यश्री 1 2 3, लव जितेंद्रा, देबू गोस्वामी, रवीना शर्मा, राधे मोहन, नम्रता सिंह, समीर। लार्वा बटरफ्लाई के यंग वन को बोला जाता है, बच्चे को बोला जाता है लार्वा, ठीक है। लावा अलग होता है, लार्वा अलग होता है, दोनों में फर्क है। कथकली, आकांक्षा, सोनम, पूजा, भास्कर, अमित, रवीना। नहीं बच्चा, मैं ऑफलाइन तो क्लास वैसे ही नहीं ले सकते, कोरोना है बाहर भाई, मैं भी जाती नहीं घर से बाहर, ठीक है। सोनी कश्यप, नौटंकी नौटंकी नहीं आएगा। ऑल आर क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडियन डांस, इंडियन डांस। उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम, ये क्या है? आपके क्लासिकल डांस है। क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है किसकी? इंडियन डांस की। क्लासिकल फॉर्म है किसकी? ऑफ इंडियन डांस की। तो कथकली क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कुसुम, कैप्टन, निकेश, ऑनलाइन, नम्रता, ऋषभ। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। रवीना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सोनी कश्यप, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नौटंकी तो आंसर हो गई नहीं, डांस फॉर्म बता रहे हैं। आपको पता है ओडिसी, कथक एंड भरतनाट्यम, ये तीनों की तीनों आपकी डांस फॉर्म है, वो भी क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सोनम राव, मैं सोनम, थैंक यू, ऐसे ही रहते आप डेली क्लास में आओगे तो मुझे तुम्हारा नाम भी याद हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। स्टाई, स्टेबल एंड कैनल। अच्छा, जो स्टाई होता है वो किसकी रहने की जगह होती है? पिगी की, पिग की। स्टेबल किसकी होती है? हॉर्स की। कैनल बताओ, कैनल किसकी होगी? क्योंकि इतना मेरे को पता था, ये दोनों आपको पता होगा। कैनल किसके रहने की प्लेस होती है? आकाश, देबू बताइए, नम्रता, ऑल आर प्लेस ऑफ लिविंग, वेरी गुड। कैनल किसके लिए होती है बताइए?
बच्चा वो स्टेबल की होती है ना, वो तो स्टेबल होता है हॉर्स के लिए। कैनल किसके लिए यूज होता है? बिल्कुल बच्चे, जो कैनल होता है वो किसके लिए यूज होता है? डॉग के लिए यूज होता है। वेरी गुड, रवीना ने आंसर दिया बच्चे, डॉग के लिए, यंग डॉग के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए बी सी और डी में से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ब्यूरो। तो ब्यूरो किसके लिए होता है भाई, ये बताओ, ये किसके लिए होता है आपके लिए? ऋषभ बजाज कह रहे नहीं पता। ऋषभ आज क्लास में लेट आए हो, कैसे आज क्लास टाइम पे नहीं लेनी थी आपको? अच्छा ये बताओ कि ब्यूरो किसके लिए, छुपने के लिए होता है, मतलब कौन रहता है वहां पे? बिल्कुल नम्रता, जो इसका जो ब्यूरो होता है वो बिल होता है किसका? रैबिट का। किसका? रैबिट का बिल होता है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा देबू, आदेश, राधे, नम्रता, सौनव राव। क्लियर है? रीजनिंग एप्टीट्यूड बच्चा आपके 35 क्वेश्चन आपके एफकेट में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन आपके एफकेट में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग आपको 25 मिनट में या 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर लेना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बस, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। 20 से 25 मिनट में आराम से ख़त्म हो जाने चाहिए ये क्वेश्चन आपके। कोई नहीं ऋषभ, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिच, मेयर एंड डोई। देखो मैंने आपको बताया था, बिच डॉग की बीवी को कहा जाएगा, मेयर हॉर्स की बीवी को कहा जाएगा, कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? डोई किसकी बीवी को कहा जाएगा? स्टैक की बीवी को कहा जाएगा। तो ए बी सी और डी में से कौन किसका राइट आंसर बनेगा? तो बच्चा विक्सन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा, क्योंकि ऑल आर फीमेल एनिमल। एंड सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आदेश, आकांक्षा, नम्रता, नैन्सी, रवीना, निशा चौधरी। निशा चौधरी वो लेट्स क्रैक एसएससी पर होती है मेरी 9 बजे, ये लेट्स क्रैक डिफेंस पे मेरी 7 बजे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दुर्गा, काली, सरस्वती, चलिए बताइए। राधे, सोम, सोनम, रवीना, निलकेश, निकेश, कुसुम, कैप्टन, देबू। फॉक्स की बीवी को, अच्छा चलिए। लक्ष्मी, अनुज मिश्रा, सोनी कश्यप, देबू गोस्वामी, निशा चंदन। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑल आर द नेम ऑफ हिंदू गॉडेस। क्या होता है ये? हिंदू गॉडेस है। ठीक है, सारी की सारी आपकी दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी। तो सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चलिए, देबू, रवीना, समीर, भास्कर, नम्रता। अच्छा ऋषभ, चलो बहुत अच्छी बात है, धन की देवी लक्ष्मी। अच्छा सोनी कश्यप, राधे, मोहन, नम्रता। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऋषभ, रौनव, पूजा, वाराणसी, कानपुर एंड लखनऊ। वाराणसी, कानपुर एंड लखनऊ आर द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे आपका? गाजियाबाद। गाजियाबाद क्या है आपका? सिटी है। किसकी आपकी? उत्तर प्रदेश की सिटी है। तो गाजियाबाद विल बी द करेक्ट आंसर। कुसुम, आकाश, पूजा, सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्टन थैंक यू, आपने मेरी तारीफ करी है, लेकिन मैं ये तारीफ कभी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ठीक है आपने करी उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकले और वो मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ होगी मेरी, जब आप कहोगे कि मैम आपने पढ़ाया था और हमारा एग्ज़ाम निकला। ठीक है,
क्यों समी तुम्हें बफरिंग करवाने का ज्यादा शौक हो रहा है? आकांक्षा सोनी बताइए इस क्वेश्चन का। नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये सारी की सारी क्या है आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज। तो इसके अलावा हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कौन सी है? फ्रांस है। कौन सी है? फ्रांस है। तो फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, ये चारों के चारों आपकी क्या है? यूरोपियन कंट्री है। देबू गोस्वामी, भास्कर, ऋषभ, पूजा चौहान, सोनी कश्यप, नम्रता, राधे मोहन, अनुज मिश्रा, ऑनलाइन लर्नर। केन्या क्यों आंसर आएगा भाई? अच्छा, जो मुझे आंसर केन्या दे रहे हैं वो क्या सोच समझ के आंसर दे रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे को केन्या आंसर दे रहे हैं वो केन्या आंसर क्यों दे रहे हैं भाई? बिल्कुल यूरोपियन कंट्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चे मैंने कंट्री के बारे में बात करी है अनुज मिश्रा, जो रोम है वो आपके यूरोप में ज़रूर आती होगी, इटली में ज़रूर आती होगी, लेकिन मैं कंट्री की बात करूँ जो रोम है वो क्या? हाँ बच्चे, रोम भी तो आपकी क्या है? या यू आर राइट, तो भूल गई, रोम था ऑप्शन में। बच्चा रोम आपकी कैपिटल है, वो भी इटली की कैपिटल है, मुझे क्यों कंफ्यूज कर दिया? जो रोम है वो इटली की कैपिटल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ। रोम चाहे आता आपका यूरोप में होगा लेकिन है तो आपकी कैपिटल ना, कंट्री नहीं है। यदि ये कंट्री नहीं है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन ही तो बनेगा। बताओ भाई, कुछ मैंने गलत बोला? राधे मोहन, समीर, नैन्सी, देबू गोस्वामी, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ गया क्या? अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, बताओ भी कैप्टन अनुज मिश्रा बताओ। बिल्कुल बच्चा, रोम कैपिटल है एंड मैंने कंट्री के बारे में बोला है, नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन, ये तीनों के तीनों क्या है? आपकी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है, फर्क होता है दोनों में, ठीक है। चलिए अच्छा, सोनी कश्यप, लॉजिक इस लॉजिक, कौन से लॉजिक के बारे में बात कर रहे हो? समीर, चंदन, ऋषभ, अरे चंदन सिंह आ चुके हैं। फ्लड, फायर एंड साइक्लोन, यदि मैं फ्लड, फायर एंड साइक्लोन के बारे में बात करूं तो ऑल आर नेचुरल डिजास्टर। ये क्या है बच्चे? आपके नेचुरल डिजास्टर है। यदि ये नेचुरल डिजास्टर है तो उससे रिलेटेड क्या होगा? आपका अर्थक्वेक होगा। तो अर्थक्वेक क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऋषभ, नम्रता, समीर, सोनम राव, देबू गोस्वामी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऋषभ, ठीक है। आकाश, ऑनलाइन लर्नर, कुसुम, निशा चौधरी, चंदन सिंह, निखिल, नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल हाँ, अभी 5-6 दिन से तो इसी टाइमिंग पे हो रही है क्लास, मैं वैसे कोशिश करूँगी कि मेरा टाइम चेंज ना हो क्लास का, तो आप बेफिक्र रहिए, आप इसी टाइम पर रेगुलर क्लास को लेने आइए। अभी मेरे लिए नया चैनल है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को भी मेरे साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को भी लगेगा आप लोगों को समझने में। तो भास्कर, अनुज मिश्रा, चंदन, समीर, देबू, सोनम, ऑनलाइन लर्नर, मयंक मिश्रा, ये कोई बहुत कुछ पढ़ ले मयंक, इसमें से ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 5 से 6 एग्जाम में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही, और ये सोचो कि जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन फंस गया, फिर कितनी खुशी की बात हो जाएगी। तो फोकस के साथ कर लो, ये मत सोचो कि मैम ये हो गया, बहुत हो गया, कल आपका टेस्ट लिया जाएगा, देन आपका पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी से ऊपर हो। तो ऐसे मत सोचो, जो आपको पढ़ा रहे हो उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो, काउंट, लिस्ट एंड वेट, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ काउंट, लिस्ट एंड वेट, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा राधे मोहन वो क्या बनेगा? चलिए चलो, एटलीस्ट ज्ञान तो मिला समीर को। मेजर करने के लिए ऑल आर द टर्म्स रिलेटेड टू, बच्चे क्या होता है? मेजरमेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके?
कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। काउंट करते हैं आप किसी ना किसी चीज़ को, लिस्ट बनाते हो, वेट करते हो, मेजर करते हो, तो मेजरमेंट के लिए क्या होता है, प्रद्युम, कैप्टन प्रिंस, राधे मोहन, आकांक्षा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा डॉट सिचुएशन टेस्ट की जल्दी से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, डॉट सिचुएशन टेस्ट की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निशा, आकाश, भाग्यश्री, ऑनलाइन लर्नर, देबू, स्वप्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज स्टील, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। प्रीति यादव, समीर, नम्रता, अंगिका, ऑनलाइन, किंग एबीसी, रौनव। बच्चे ये क्या है, सारे के सारे आपके अलॉय। अलॉय से क्या समझते हैं आप लोग, अलॉय क्या होता है, कोई मुझे बताएगा अलॉय क्या होता है। ऋषभ, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा, चलिए डी ऑप्शन कह रहे हो। जिंक, इस टाइप का आया भी था पेपर में, इस टाइप का आया भी था पेपर में, चलो वेरी गुड, चलो मेरी सफल हो रही है मेरी मेहनत। चलिए अलॉय से क्या समझते हो फटाफट से कमेंट करो। जिंक आंसर आप दे रहे हो, मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट आइटम, वेरी गुड। मिथेन क्या होता है, मिथेन तुम्हें नहीं पता, मिथेन गैस होती है एक, मिश्र धातु, वेरी गुड, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा और जिंक क्या है आप, आपका जिंक क्या है आपका, ध्यान से बताना मेरे को। अरे नलायको, जिंक आपका मेटल है, तो आप जिंक आंसर क्यों दे रहे थे, जब भी तो मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी कि एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है, तो अभी जिंक कैसे आ जाएगा आपका राइट आंसर। मिथेन आपकी गैस होती है, इन दोनों में से आपके दो ऑप्शन बचे हैं, तो बताओ ए आई या बी में से क्या होगा। देखो मैंने पूछा जिंक क्या है, तो एक बच्चा कहता है जस्ता है, अरे कतई बताऊँ ऐसे नलायक हैं, बस पूछो मत, है ना। बच्चे जो आपका मैग्नीलियम होता है ये होता है आपका एलॉय, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो बनता है वो बनता है आपके किससे बनता है, एक तो मैग्नीशियम से बनता है और एक किससे बनता है, मैग्नीलियम है ना, तो देखो ये मैग्नीशियम हो गया और ये आपका एलुमिनियम हो गया, तो मैग्नीशियम और एलुमिनियम से क्या बनता है आपका, ये मैग्नीलियम बनता है, तो ये क्या है आपका एलॉय है। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन दे रहे थे वो हालांकि सारे के सारे गलत आंसर दे रहे थे, मैग्नीशियम से और एलुमिनियम से बनता है आपका मैग्नीलियम, क्लियर है। आगे बढ़ूं, देखो ये छोटी छोटी चीज ना नहीं पता चला मैम, एंडी क्रैकर मैंने बताया अभी आपको, स्टील, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ये तीनों के तीनों आपके एलॉय हैं, जिंक आपका मेटल है, आपका एलॉय में नहीं आता और सारे के सारे आप जिंक आंसर दे रहे थे उस टाइम, एंड मिथेन आपकी गैस है। तो बच्चा आपका मैग्नीलियम के नाम से आपको पता चल रहा है ये मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से मिलके बना है, तो ये क्या हो गया आपका एलॉय हो गया, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, ऋषभ, सौनभ, चंदन, देबू, कुसुम, अमन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलो कुछ तो सीखा, अच्छा जब से आपको सीख ही नहीं रहे थे अमन आज, हाँ क्लियर है। आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो रीजनिंग की क्लास में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, ठीक है,
एंड केमिस्ट्री फिजिक्स, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनियम्स आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑलराउंडर हूँ। रैबिट, रैट एंड मोल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए बी सी और डी। राधे मोहन, समीर, कुसुम, एनडीए क्रैकर, ऑनलाइन लर्नर, इंग्लिश भी यही ऋषभ मैम इज ऑल राउंडर। देवो गोस्वामी सही है, आज बटरिंग कर रही हो, हैं किसकी कसर पूरी कर रही हो आज। चलो रैबिट, रैट एंड मोल के बारे में बात करूं तो स्किप करोगे, इतना आसान क्वेश्चन है भाई। ऑल आर रोडेंट फैमिली, रोडेंट फैमिली क्या होती है, आपकी कुतरने वाली फैमिली। रैबिट, रैट एंड मोल, ये तीनों के तीनों क्या है, रोडेंट फैमिली में आते हैं। तो रोडेंट फैमिली में क्या आता है, आपका नेवला भी आता है आपका रोडेंट फैमिली में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। समीर, सी ऑप्शन जो बनेगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है, चलो मेरे को ये बताओ सारे के सारे, अर्थवॉर्म क्या होता है बताओ। अर्थवॉर्म किस टाइप का जानवर होता है और क्या करता है ये आपका, ठीक है। आप आंसर तो दे दे तो मेरे को, अर्थवॉर्म होगा लेकिन किस टाइप का अर्थवॉर्म होगा ये, ऐसा सा रेंगने वाला होता है वो, कैचुआ टाइप का। बिल्कुल सही का आकाश, ठीक है, जो एक बार डस लेता है, डसता है ना कैचुआ शायद, हाँ कुछ ऐसी कुछ है, कैचुआ कान में घुस जाए तो भैया किसी को मार ही देता है कैचुआ। तो इसके इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, अर्थवॉर्म आपका रोडेंट फैमिली से नहीं है, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल आकांक्षा सिंह, वेरी गुड। अनिल, काटता नहीं है, कान में घुस जाए तो बहुत कुछ बीमारी फैला देता है कैचुआ, वो तो कान खजूरा होता है, हाँ वो कान खजूरा होता है, कैचुआ अलग होता है, ठीक है, याद आ गया, कैचुआ और कान खजूरा है। देवू मजाक कर रही थी वैसे, देवू मैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ग्रंट, ब्रे एंड ब्लीट, अगेन क्वेश्चन आया है। तो ग्रंट किसकी आवाज होती है, ब्रे किसकी आवाज होती है, ब्लीट किसकी आवाज होती है, बताइए आपको। अभी मैंने ब्रे बताया डोंकी की आवाज, ब्लीट मैंने बताया था आपको, अभी किसकी आवाज थी ये मैंने भूल गई, गॉट की आवाज, बकरी की आवाज, ग्रंट किसकी आवाज होती है बताओ, बताओ बताओ बताओ। सोनी कश्यप, ग्रंट किसकी आवाज होती है, कल क्लास कब से है, कल क्लास आपकी 7 बजे से ही है, 7 PM पर मेरी कल क्लास होगी। आकांक्षा, सुनीता, हाँ बिल्कुल सही कहा सुनीता, बताओ। अरे मैं ये पूछ रही हूँ ग्रंट किसकी आवाज होती है, कौन आपकी आवाज निकालता है, कोई ये आंसर नहीं दे रहा है मेरे को। रौनक सिंह, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बनेगा आपका बार्क। तो बार्क क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका बार्क। तो बार्क विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बार्क जो होती है वो किसकी आवाज होती है, डॉगी की आवाज होती है। तो ये जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आकाश, कुसुम, रवीना, नम्रता, राधे मोहन, कुछ क्वेश्चन ना मैं आपको ना देख लूंगी कि आप लोग खुद सॉल्व करो और मेरे को एक्सप्लेन करो आप। मैं ये सोचूंगी कि मेरे को कुछ नहीं आता और आपको मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसको क्या बोला जाता है बताओ, ये कौन होता है आपका, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, चैमिलियन, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर। बच्चे ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, रेप्टाइल है। रेप्टाइल क्या होता है आपके, सरीसृप, क्या होते हैं, सरीसृप, रेंगने वाले। तो स्नेक जो आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। वेल क्यों बनेगा देबू, देबू वेल क्यों बनेगा, वेल तो आपका मैमल में आता है, आपका ये वेल मैमल में आता है और ये सारे के सारे आपके रेप्टाइल हैं, सरीसृप हैं, ठीक है, बिल्कुल रेप्टाइल स्ट्रक्चर्स के हैं। ये होता है आपका गिरगिट, किसी ने जवाब नहीं दिया, ऐसे गुलमट्टों से हो ना कि मुंह से जवाब ही नहीं निकलता, मैं पूछ रही हूँ ये कौन है, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं है,
ऋषभ जो रेंगते हैं, ठीक है, ओके। ऋषभ एन एनिमल हु कांट फ्लाई, बिल्कुल भाई जो रेंगेंगे वो फ्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। शेक नहीं, स्नेक, समीर, स्नेक बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अवंतिका कौशिक, मैंने दिया था मैम, वेरी गुड अवंतिका, मैंने देखा नहीं जब आपने दिया था, ठीक है, दिया था मैम, अच्छा, सोनम ने भी दिया था और अवंतिका ने भी दिया था, ठीक है। आपके कमेंट नहीं दिखे बच्चा मेरे को उस टाइम पे। आकाश, राधे मोहन, आर्यन ग्रुप, चंदन, आकाश, भास्कर, कैप्टन प्रिंस, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रौनव, भास्कर, अमित, राधे मोहन, ऑनलाइन लर्नर, सोनी कश्यप, रौनव सिंह, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा, आपने भी दिया था कांशा, चलिए। राधे मोहन, देबू, सोनव राव, नैन्सी, पेन, पेंसिल, रबड़, ये तीनों के तीनों क्या है? स्टेशनरी आइटम है, क्या है ये तीनों के तीनों? क्या है आपके? स्टेशनरी आइटम है। तो ए, बी, सी और डी में से जो आपका स्टेशनरी आइटम होगा वो क्या होगा? आपका पेज होगा। तो पे, देबू, ऑनलाइन, चंदन, आकाश, अनुज मिश्रा, नैन्सी, नम्रता, ऑनलाइन लर्नर, रवीना, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर सुनीता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नर्सरी क्लास याद आ गई? हाँ, मुझे, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आप सारे के सारे छोटे बच्चे ही तो हो। मेरे से एक बार एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप ऐसे पढ़ाते हो जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, मतलब आप ऐसे लगते हो जैसे जैसे जो केजी और नर्सरी की जो टीचर्स होती है ना। मैंने कहा हाँ, मैं उन्हीं बच्चों को तो पढ़ाती हूँ, आप वैसे ही तो हो। रैबिट माई फेवरेट रौनक, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए, धोनी, तेंदुलकर एंड सहवाग, ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके इंडियन क्रिकेटर हैं। क्या हैं ये तीनों के तीनों? आपके इंडियन क्रिकेटर हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा द्रविड, विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि द्रविड क्या है? आपका इंडियन क्रिकेटर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आकांक्षा, नैन्सी, सोनी, नम्रता, किंग, ए बी सी, द्रविड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? समीर, राधे मोहन, मयंक, रैबिट द वॉल, निशा चौधरी, ऑनलाइन लर्नर, ऋषभ बजाज, मेरा निकनेम क्या है? वैसे मुझे सब सोनल ही बुलाते हैं, आप जैसे बच्चे हो जैसे मुझे चैरी मैम बुलाते हो, ठीक है, तो मेरा निकनेम मैं चैरी ही रख लेती हूँ अपना, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को चैरी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। अच्छा, ठीक है, एनडी क्रेकर, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आई है, आपके वहीं से शायद कोई दिक्कत आ रही है। देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, स्पेयर, एमाल्ड एंड डायमंड, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चे? आपके प्रीशियस स्टोन है। क्या है ये? आपके प्रीशियस स्टोन है। तो प्रीशियस स्टोन कौन सा होगा आपका? प्रीशियस जो स्टोन होगा वो होगा आपका रूबी। तो रूबी विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। समीर, आकाश, नम्रता, चंदन, अवंतिका, नैन्सी, आकाश, सोनी कश्यप, ए ऑप्शन क्या होगा? देबू गोस्वामी, राधे मोहन, अनुज, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग, ए बी सी, नम्रता, चंदन, नैन्सी, ऑनलाइन लर्नर, रुचि, बताइए। ऋषभ, मार्का यहाँ नहीं रुकेगा, पेन वहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये मुझे डायलॉग मारे हुए बहुत टाइम हो गए है ना। चलिए, राधे मोहन याद रखना, अब आप कभी भी ना जिंदगी में ये मत पूछना कि सोनल मैम आपका निकनेम क्या है, आपको पता होगा अब, ठीक है। चलिए, किसने पूछा था निकनेम में से? समीर, रुचि, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, प्रीति यादव, ये तीनों की तीनों भाई, क्रिकेट तो सबको पसंद होगा, सबको पता होगा, स्लिप, कवर, LBW, ये तीनों की तीनों जो टर्म्स होती है, टर्म्स ऑफ क्रिकेट, ऑल टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बी सी या डी में से वो बनेगा आपका चिन मैन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आकाश, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, आज की क्लास का ये क्वेश्चन फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? कुसुम, आकाश, सोनम राव, मैम पहले आंसर में स्टेशनरी की गलत स्पेलिंग लिख रहे थे। अच्छा बच्चा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे से ध्यान दे लूंगी मैं, ठीक है, इस चीज को। ऑनलाइन लर्नर, ये मेरे स्टूडेंट का दिया हुआ नाम है, ठीक है, और बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये नाम। मेरे जो प्यारे बच्चे ना डिफेंस के, उन्होंने दिया, डिफेंस की एक लड़की है भाग्यश्री, उसने दिया था मेरे को ये वाला नाम। चलो, समीर, नैन्सी, निधि, प्रीति, चंदन, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, लाहौर, फैजलाबाद एंड इस्लामाबाद, एंड ए बी सी
या डी, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? बच्चे ये तीनों के तीनों क्या है, आपकी पाकिस्तान सिटीज है। क्या है? पाकिस्तान सिटीज है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन काबुल, सिटी है काबुल आपकी। बताओ बच्चा, लाहौर, फैजलाबाद एंड इस्लामाबाद, बताओ। काबुल, अरे नलायक, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। काबुल का है आंसर दे दिया, काबुल। ए भगवान, इन्हें क्या ये भी पढ़ाऊं मैं अब हैं? साइल कोर्ट बच्चा, ये जो है वो सिटी है किसकी? पाकिस्तान की। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। प्रीति अनुज, ऑनलाइन लर्नर अनुज श्रीवास्तव, सोनम राव, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। वेरी गुड सोनम राव, पंजाब प्रोविंस में आता है, साइल कोर्ट पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। काबुल अफगानिस्तान की क्या कैपिटल है? गलत आंसर तो मत दो, इतने छोटे छोटे आंसर। कोई क्या कहेगा कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि कौन किसकी कैपिटल, अफगानिस्तान की कैपिटल तुमने पाकिस्तान की सिटी में मिला दी। चलो अवंतिका, कौशिक, नम्रता, देबू, सोनी कश्यप, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये तीनों की तीनों क्या है बच्चा? ब्रांच है किसकी? मेडिकल साइंस की। किसकी? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो ए बी सी या डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। जो हेमाटोलॉजी क्या होती है? आपकी ब्रांच होती है किसकी? मेडिकल साइंस में। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीज, लाइब्रेट एंड इमानसिपेट। ये बताओ क्या तुम बोर होते हो क्या मेरी क्लास से? लगता तो नहीं है भाई, मैं तो बहुत मजे से, वो बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एक फ्री माइंड से पढ़ाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो एकदम एक्टिव होकर रिप्लाई दिया करो ना, फटाफट से आंसर आने चाहिए, गलत आंसर मत दो बस। ब्लस स्टडीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राधे मोहन, सोनी कश्यप, आकांक्षा, सोनम राव, फ्री। देखो रिलीज मतलब, लिबरेट मतलब, इमेंसिपेटेड मतलब क्या होता है? रिलीज कर देना मतलब फ्री छोड़ देना, मुक्त कर देना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, फ्री विल बी द करेक्ट आंसर अनुज मिश्रा, क्योंकि आप रिलीज से समझ जाओगे। इसका जो सिनोनियम से, ये तीनों के तीनों क्या है आपके सिनोनियम से। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? इंग्लिश भी सीखी आपने, केमिस्ट्री भी सीखी आपने, अफगानिस्तान की कैपिटल भी सीखी मेरे से, ठीक है? बहुत कुछ सीखा है मैंने, सिखाया मैंने। निशा चौधरी, वेरी गुड, डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा, नर्मदा एंड ताप्ती, ये आपके किस ऑप्शन से मैच होती है? ये तीनों की तीनों क्या है बताओ? गंगा, नर्मदा एंड ताप्ती, देबू गोस्वामी, ऋषभ, समीर, फटाफट से बताइए। समीर बोर होते हैं तो बच्चा यहाँ पे रुकने के लिए किसने कहा है आपसे, ठीक है? आर्यस ग्रुप, ज्ञान मिल गया, आर्यस ग्रुप को ज्ञान मिल गया है यार, आर्यस ग्रुप लेट आए हो आज। अनुज श्रीवास्तव, भाग्यश्री, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिवर्स है, दे आर नेम ऑफ रिवर्स, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अशोक, नैन्सी, निशा, नम्रता, ए ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अनुज मिश्रा, ऑनलाइन लर्नर, सोनी कश्यप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम राव, भारत की नदियां, अच्छा, निशा, कुसुम, सुनीता, नैन्सी, एनडीए, अश्तले, रोबेलो, नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैं। एक मिनट, ये कौन था नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वाला? गलत आंसर क्यों दे रहे हो? लीप, ये क्या होती है? ये किसकी मूवमेंट होती है? ये जो मूवमेंट होती है ये होती है आपकी रैबिट की। रैबिट की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? लीप कहा जाता है। फ्रिस्क की जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? लैम्प कहा जाता है। लैम्प की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? फ्रिस्क कहा जाता है। और ट्रॉट किसकी मूवमेंट होती है? डोंकी की मूवमेंट होती है। तो ये क्या है? दे आर मूवमेंट ऑफ एनिमल। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? सोनू, रौनव, समीर, राधे मोहन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चंदन सिंह, ऑनलाइन लर्नर, अशोक, सोना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आ रहा है इस क्लास में? काफी कुछ नए क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आप लोगों को कराया है। सोनू परदेशी, अवंतिका, ऋषभ, हाँ ऋषभ, मेरा सपना इससे भी ऊपर जाने का है टीचिंग जर्नी में, मेरा सपना इससे भी ऊपर जाने का है, ठीक है?
मैं हमेशा अपने आगे अपने गोल के बारे में सोचती रहती हूँ कि मेरा गोल क्या होगा, मेरा नेक्स्ट गोल क्या होगा, ठीक है। अब मुझे अपना नेक्स्ट गोल देखना है और नेक्स्ट गोल पे उस पर तीर करना है। हमेशा अपना ध्यान रखो, अपने ग्रो अपनी ज़िंदगी में अपना गोल तैयार करके रखो। यदि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा गोल होगा ना, और तुम उसे अचीव करने के लिए जो तुम्हारे अंदर तड़प होगी ना, वो तुम्हें उस गोल तक पहुँचा सकती है। हमेशा फोकस अपने गोल की तरफ होना चाहिए। ज़िंदगी में गोल ही नहीं है तो पढ़ते रहो क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक अहम गोल बन जाएगा ना, तुम्हारा पेपर क्या, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी उस दिन, ठीक है। मयंक मिश्रा, दे आर स्पोर्ट्स टीम, पेन रबर एंड पेंसिल, दे आर स्पोर्ट्स टर्म्स। मारी चलो यही, ये मयंक को मारो, कोई मारो भाई, इसको मारो, कोई इस लड़के को मारो भाई आज। अरे नलायक, दे आर स्टेशनरी गोड्स, बी ऑप्शन ऑनलाइन लर्न आर प्रीति सूरज किंग ABC राधे मोहन। बी ऑप्शन क्या आएगा कुसुम, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, दे आर स्टेशनरी गुड्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर संडे मंडे रोज का वनडे, संडे मंडे एंड सैटरडे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सूरज देवू गोस्वामी ऑनलाइन लर्नर समीर, गोल क्या होता है समीर, यदि गोल नहीं पता तो यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं आपका, ठीक है। यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है समीर, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, मजाक नहीं चल रहा है, फोकस करो भाई, ठीक है। जिस दिन मेहनत से काम करोगे ना समीर, जब तुम्हें समझ में आएगा गोल क्या होता है, मेहनत क्या होती है, अभी तो मेहनत कहाँ करते हो तुम, ठीक है। अनुज मिश्रा, समीर ने आंसर दिया वीक डेज, दे आर नेम ऑफ द वीक डेज, तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, प्रीति निशा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा निशा चौधरी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। मंजिंदर सिंह, प्रीति यादव, पूजा चौहान ऑनलाइन लर्नर, सूरज पांडे, अशोक, सुमन राव, सप्ताह के दिन, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोनी कश्यप, मैं उनको मंकी की तरह उल्टा लटका दो, इसे ना ऐसे ना किसी ने ना बालकनी से उल्टा लटका के इसकी ना हड्डियां तोड़ूंगी, जब ये आंसर गलत नहीं देगा ये लड़का मेरे को, ठीक है। मयंक, कुटने के लिए तैयार रहना किसी दिन। दे हैव टू वोवल्स अनुज मिश्रा, वेरी गुड। सेल टेल एंड मेल, इन तीनों में क्या है आपके, दो वोवल हैं, दो वोवल कौन से हैं आपके, ए और ई, ए ई और ए और ई, इन सब में क्या है आपके, दो दो वोवल है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऋषभ बजाज, सूरज देबू, नैन्सी अशोक, सोनी कश्यप, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है अभी भी पूछ लो, किसी भी क्वेश्चन में मैं अगेन बता दूंगी, ठीक है। दया दिखाइए, दया तो मैं दिखाती हूँ हमेशा, अब तक दया ही तो दिखाई दे, अभी तो तुमने डांटी नहीं खाई मेरी, अभी तो मैं नॉर्मल आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं स्टार्टिंग है ना तो आराम से पढ़ा रही। सेल टेल एंड मेल, एज एल विच इज सम काइंड ऑफ, ए चल तो अच्छा। यहाँ पे SSB की तैयारी, SSB के लिए कौन कौन है, SSB किस किस की आ रही है अभी। हेलो भास्कर, आपके कमेंट शो हो गए जब तुम लड़ाई कर रहे थे ना, जब तुम्हारे कमेंट्स पूरे पूरे शो हो रहे थे। अच्छा ये बताओ SSB किस किस का आ रहा है अभी। देखिए मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही नहीं रही, मैं तो पेपर निकाल के बैठी हूँ, मैंने कैट निकाल रखा है, FCAT निकाल रखा, तो मेरे को जरूरत क्या है। बिल्कुल निशा चौधरी, अच्छा चलो। सूरज पांडे कब है आपकी, SSB कब आ रही है, SSB की डेट कब कब आ रही है, किस किस की आ रही है। रौनव, सूरज, ऐसा करते हैं किसी दिन संडे को, ठीक है, एक PPDT का सेशन, WAT का सेशन और SRT का सेशन लेते हैं, ठीक है। आकाश, मेरा FCAT का लॉन्च बैच कब लॉन्च होगा ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं FCAT का बैच जल्दी लॉन्च हो जाएगा। CAPF का मेरा बैच लॉन्च हुआ है 100 डेज के लिए, ठीक है। और जब भी मेरा FCAT का बैच लॉन्च होगा तो हमेशा ध्यान रखना, उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको SSB के बारे में भी प्रैक्टिस कराऊंगी, ये अनुज मिश्रा जानता होगा अच्छे से। और मैं आपको इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट OIR की भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जब भी मेरा FCAT बैच लॉन्च होगा, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी तैयारी कर रहा है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना उस चीज़ के लिए, ठीक है। और जिसको भी SSB की तैयारी करनी है वो मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आज कमेंट देख लूँगी।
मैं उस हिसाब से एक डेट फिक्स कर लूँगी SSB के लिए, जहाँ पे मैं आपको PPDT, VAT और SRT की तैयारी कराऊँगी, ठीक है। OIR, हाँ जी मैम, OIR पता है ना आपको? OIR क्या होता है आपको पता है ना? जो SSB देने गया है, जो जाएगा, उसे पूरा पैटर्न पता होना चाहिए ना, SSB का पैटर्न क्या क्या है। या एक मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी कि SSB में ऐसे ऐसे पूछा जाता है, ये पैटर्न होता है। अच्छा, आपकी PCS की है कुसुम, ठीक है, तो हमेशा अपनी तैयारी पे फोकस करना है। चलिए, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच, जिसने भी डिफेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड कमेंट कीजिए, जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कीजिए, आपको क्लास कैसी लगी वो बताइए, हिट द बेल आइकन जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, @SonalAgarwal के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। पता नहीं इस पर आके नहीं, इस लिखता नहीं है मेरा नाम पूरा, @SonalAgarwal, ठीक है। ये मेरा क्या है, ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने नहीं करा, और जिसको भी हमारा अनअकैडमी का FCAT का सब्सक्रिप्शन पैक लेना है वो ले सकता है, बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है सोनल, और मिलेगा आपको 10% का ऑफ, जो कि आपके लिए एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है 22 जून से, CDS प्लस CAPF का 100 डेज का, जहाँ पे CAPF मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, और घर में रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। चलिए, टेक केयर।